हेलो दोस्तों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज एक नए अपडेट लेकर आई है रिगार्डिंग 50,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि झारखंड में होने वाली है। ये जो परीक्षा होगी, पहले भी हम बताएं कि दो चरण में होने के लिए प्लान किया जा रहा है अभी के फिलहाल में, जिसमें पहले का जो 26,000 होगा, यानी 26,000 के समथिंग, उसमें जो है पहले जो जेटेट पास किए हैं उन लोगों के लिए मौका मिलेगा। इसको लेकर के एक डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं, जिसको आई लिंक में हम प्रोवाइड कर देंगे। वहां से आप देख सकते हैं कि डिटेल्स में कि आप उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं। और दूसरा चरण में जो है फ्रेश कैंडिडेट के लिए होगा, बट बात आती है कि फ्रेश कैंडिडेट के लिए कब होगा। जब तक जेटेट आयोजन नहीं होगा तब तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा फ्रेश कैंडिडेट के लिए, ऐसा मानना है झारखंड सरकार का। आज के अपडेट में आपको बताएंगे कि जो 2000 अगर हम लोग बात करें कि शिक्षक नियुक्ति का, पिछले कब शिक्षक नियुक्ति हुआ था झारखंड में, तो झारखंड में 2013 में एक टेट हुआ है और दूसरा टेट जो आयोजन हुआ 2016, यानी कि आज तक राज्य में सिर्फ और सिर्फ दो बार ही टेट परीक्षा है हुआ है। अगर हम लोग बात करें झारखंड राज्य निर्माण का, तो लगभग लगभग आज 23 साल का निर्माण का समय हो गया, 23 साल हो गया झारखंड राज्य बनते हुए, और दो परीक्षाओं का आयोजन हुआ। 2013 में एक बार हुआ, 2016 में एक बार हुआ, जो कि रिसेंट में हुआ। उसके बाद कोई भी टेट एग्जाम का आयोजन नहीं हुआ इस राज्य में, यानी कि झारखंड में। 2013 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उन लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला था, बट 2016 में जितने भी विद्यार्थी पास हुए उसको कोई भी मौका नहीं मिला। और 2016 में लगभग लगभग 52,000, आप इस संख्या को देखिए, 52,848 जेटेट उत्तीर्ण विद्यार्थी है, यानी कि जेटेट पास कैंडिडेट की संख्या कितनी है, 52,848 कैंडिडेट 2016 में पास किया, और उन लोगों को एक बार भी चांस नहीं मिला रिक्वायरमेंट में हिस्सा होने को। ठीक है, तो ये उन कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज थी कि 7 साल गुजरने के बाद भी आज तक उन लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मौका नहीं मिला, जिसका गलती सरकार की है। अब बात आती है कि इस 52,848 कैंडिडेट में कितने परसेंटेज कैंडिडेट जो है बाहरी है, तो लगभग लगभग 3,628 कैंडिडेट जो है, 3,628 जेटेट पास विद्यार्थी कहाँ के हैं, बाहर के हैं, यानी कि दूसरे राज्यों के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या बिहार की है, बिहार से है, वेस्ट बंगाल से है, उसके बाद आपका उड़ीसा से है, तो इन सारे यूपी से है, यूपी से भी कैंडिडेट है इनमें। तो 3,628 कैंडिडेट के आसपास लगभग बाहरी कैंडिडेट है जो कि झारखंड राज्य से बिलोंग नहीं करते, बट सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही 52,848 जेटेट पास अभ्यर्थी है जिसको अभी तक रिक्वायरमेंट में कोई भी मौका नहीं मिला। 2016 होने के बाद भी इन लोगों का उम्र भी पार हो चुका, और उम्र पार होने के बाद फिर एक कल एक आपको अपडेट दिए थे कि उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर रहे कि आगे आने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप किस प्रकार से हिस्सा लेंगे। और नए विद्यार्थियों के लिए क्या है कि जेटेट जब तक नहीं होगा तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस अभी तक के न्यूज के अकॉर्डिंग। बाद में कोर्ट केसेस वगैरह तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो रिक्रूटमेंट आ रही है ये बिना कोर्ट केस हुई, मतलब बिना कोर्ट केस कंप्लीट हुई ये पार होगी, ये तो नहीं हो सकता। पहले तो रिक्वायरमेंट आने के बाद ही आप देखिएगा कि कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस के बाद फिर क्या सुनवाई होगी वो तो कोर्ट ही जानते हैं, और फिर क्या डिसीजन होगा कि नहीं पहले सभी को शामिल होने के मौका मिलेगा या एक ही बार में 50,000 को लाया जाए, इस टाइप से कुछ न कुछ राय आएगी। बट हमको नहीं लगता है कि ये 26,000 नियुक्ति बिना कोर्ट केस हुए पार हो जाएगी। तो ये जो विद्यार्थी है, जो 52,848 विद्यार्थी, इन लोगों का रास्ता अभी भी पूरा पूरी क्लियर नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में लोगों को कोर्ट केस भी देखना पड़ेगा, और सरकार क्या निर्णय लेती है इस पर भी डिपेंड करती है। सरकार का जो निर्णय है उसके अकॉर्डिंग दो चरण में होगी, पहला चरण में 2013-2016, यानी कि पहले जो जेटेट के विद्यार्थी उन लोगों को मौका मिलेगा, और सेकेंड चरण जो होगी उसमें आपको जो फ्रेश कैंडिडेट है जो कि अभी तक जेटेट पास ही नहीं किए, पहले जेटेट होगा और फिर उनको मौका मिलेगा। तो जेटेट जो फ्रेश कैंडिडेट है उन लोगों के लिए हम ये बता रहे हैं कि आप लोग तैयारी करते रहिए, और जो पुराने कैंडिडेट है उनको भी क्या करना होगा, जेटेट मेंस देना होगा, क्योंकि मेंस का प्रावधान ला रहे हैं। अब आपको देखने को मिलेगा जो जेटेट पास विद्यार्थी 2016 है वही लोग कोर्ट केस करेंगे सबसे पहले कि हम लोग मेंस नहीं देंगे, ऐसे भी आपको कैंडिडेट मिल जाएंगे, ये कोई दो राय नहीं है इसमें, कि जो पास जेटेट पास है वो लोग बोलेंगे कि हम लोग जब जेटेट पास कर चुके हैं, क्योंकि पहले की नियुक्ति में क्या होती थी कि सिर्फ और सिर्फ आप जेटेट पास कीजिए तो आपको आप टीचर बन जाएगा झारखंड में, तो हम लोगों के लिए अलग नियम क्यों, तो इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इन लोगों की तरफ से भी कोर्ट केसेस होगी, फिर जो फ्रेश कैंडिडेट है ये लोग भी कोर्ट केस करेंगे, तो आप
देख पा रहे होंगे कि झारखंड की जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है ये भी एक बहुत लंबा ड्रामा का हिस्सा होने वाली है। जिस प्रकार से 2016 वाला हुआ टीजीटी नियुक्ति में, सेम इसमें भी होने वाली है। इसमें कोई भी तो राय नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगी और आप टीचर बन जाएंगे, तो ऐसा होने वाली नहीं है। अब समय बताएगा क्या होगा, बट ये सारे क्या है अपना राय, मेरा खुद का विचार है, ये कोई दूसरे के विचार नहीं है। हम मेरा अनुभव के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये नियुक्ति भी एक प्रकार से आपको बहुत ही अलग टाइप से देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद ये नियुक्ति अगर क्लियर हो गई तो हो गई, और बहुत लंबा प्रक्रिया भी चल सकती है। जिस प्रकार से 2016 वाला में आप देखें क्या कि 2016 में नियुक्ति आई और आज जाके 2023 में लोगों को क्या ज्वाइनिंग हुआ, तो 2016 से 2023 कितना साल हो गया, लगभग इधर भी 7 साल का आसपास हो गया। तो एक नियुक्ति प्रक्रिया में एक विद्यार्थी 7 साल कैसे गुजार सकते हैं अपने जीवन के, आप इसमें भी सोच सकते हैं कि झारखंड का ये हाल है। इसलिए हर सेशन में जितने भी सेशन हम लिए, हम ये बताते चले हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप झारखंड के एग्जाम्स की तैयारी मत कीजिए, साथ ही साथ और भी एग्जाम्स पर ध्यान दीजिए, ताकि क्या हो कि एक मतलब आप एक मेन एम नहीं बना सकते झारखंड के कोई भी एग्जाम। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य हम लोगों का झारखंड राज्य के होने के नाते कि झारखंड की किसी भी एग्जाम को आप मेन एम नहीं बना सकते, चाहे JPSC हो, चाहे JSSC CGL हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे JTET हो, सब में क्या है कि आपको एक बैकअप रखना ही होगा। बिना बैकअप का आप इसमें, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी है जो 2 साल के अंदर जॉब ले सकते हैं और आप झारखंड के एग्जाम्स को अगर टारगेट कर लेते हैं, तो फिर आपका परीक्षा प्रक्रिया में ही तो 7 साल गुजर जाएगा, फिर आपका नियुक्ति होगा, उस टाइम आपका मन होगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है समय के साथ। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए, बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। ये एक डिमोटिवेशनल वाला वीडियो नहीं, ये आपको आगाह करने के लिए है कि इस प्रकार से रास्ता होगा और इन्हीं सब रास्ते से होकर आपको गुजरना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा जो नए विद्यार्थी है JTET का, और साथ ही साथ जो JTET मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कि आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। हो सकता है कि बहुत कोई का पढ़ाई छूट गया हो, बट इस साल आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नियुक्ति आएगी और नियुक्ति आने के बाद इन सारे अप्स एंड डाउन्स को तो आप 7 साल से देख ही रहे हैं, तो आगे आने वाले समय भी 1-2 साल आप देख लेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड की जो नियुक्ति प्रक्रिया है जिसमें इतना लेट लतीफे, ये कोर्ट केसेस, फिर 7 कोर्ट केसेस के बाद गवर्नमेंट का रूल्स जो नियमावली वगैरह में पेंच फंसती है, इसको लेकर के आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि सभी तक पहुँचे ये बातें। और क्लासेस स्टार्ट है, करंट अफेयर्स की क्लासेस आप झारखंड नोटबुक चैनल में डेली देख सकते हैं, आप झारखंड GK के क्लास देख सकते हैं, आप साइंस का देख सकते हैं, ताकि आपका प्रिपरेशन और बेहतर हो। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स को कवर करना चाहते हैं तो टीचर सर्ती चैनल के साथ जुड़े, जहाँ CTET और सेंट्रल लेवल के जितने भी नियुक्ति होती है उसको लेकर के बात किया जाता है और वहाँ प्रिपरेशन कराया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।